टाइप करी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं एग्जांपल नंबर 4। ओके, एग्जांपल नंबर 4 क्या है? किसी खोखले गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, जहां उसकी बाह्य व आंतरिक त्रिज्याएं a व b हैं। किसी खोखले गोले का किसी खोखले गोले का उसके व्यास के परितः है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, जहां उसकी बाह्य व आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः ए व बी है। ठीक है, मैं एक बार और देख लेता हूँ इसको। ओके दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है कि कोई खोखला गोला है, उसका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, और उसकी बाह्य त्रिज्या तो स्मॉल ए है और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल बी है। अगर आपको पता हो तो अपन ने एक आर्टिकल किया था खोखले गोले का, उसमें उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान आया था 2/3 एम ए स्क्वायर टाइप। ऐसे आया था खोखले गोले का, जब अपन ने आर्टिकल किया था 2/3 अपना खोखले गोले का जो मास कैपिटल एम है और ए है वो खोखले गोले की रेडियस है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को करो, ये भी काम में आएगा, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये भी अपना काम में आएगा रिजल्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना है। ठीक है, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो इनके डायग्राम का होता है। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ। ये स्फीयर कभी गोल बनता ही नहीं मेरे से, कितने भी कोशिश कर लो। जो भी हो, चलो ठीक ठाक आपकी बात। ये कोई गोला है, खोखला गोला है, ये खोखले गोले का जैसे केंद्र है वो, राइट। ये तो है इसकी बाह्य त्रिज्या स्मॉल ए और ये इसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल बी। इसका मतलब अपना जो इसमें मैटर भरा हुआ है वो यहां पे है। ठीक है दोस्तों, खोखला गोला है तो जो मैटर भरा हुआ है ये एनुलस जो है वलय का, ये वाली, इसके अंदर अपना मैटर भरा हुआ है। खोखला गोला है ये, बाहर से अंदर से खाली है, और इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो तो ए है और आंतरिक त्रिज्या है वो बी है।
अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ये खोखले गोले का व्यास है, इसको आगे बढ़ा दूंगा तो ये व्यास बन जाएगा। अब इसका व्यास के परिते जड़त्वागुण का मान निकालना है, और व्यास के परिते जड़त्वागुण का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको बहुत सारे अल्पांशों के अंदर विभाजित करूंगा। तो ऐसा ही एक अल्पांश लेता हूं। अब अच्छा, मैटर इसके अंदर भरा हुआ है तो अल्पांश भी यही माना जाएगा। ठीक, अल्पांश लेता हूं मैं, इस प्रकार का एक अल्पांश लूंगा और इसको यह अल्पांश ले लिया, और अल्पांश इस प्रकार से लिया है कि वो केंद्र से कितनी दूरी पे है, केंद्र से एक्स दूरी पे है और डेल्टा एक्स मोटाई का अल्पांश है, या अल्पांश बोल दो या गोलीय कोश बोल दो आप। भाई गोला है तो ये जो अल्पांश है वो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है, इसको अल्पांश की जगह आप गोलीय कोश बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक गोलीय कोश लिया है जो केंद्र से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, और कितनी मोटाई का है, डेल्टा एक्स मोटाई का है। अब दोस्तों ये गोलीय कोश यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है, तो जब भी अपने को संपूर्ण की बात करेगा ये, तो अपन यहां से यहां तक की लिमिट लगाएंगे, तो बी से ए तक की अपन लिमिट लगा के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। भाई ये जो गोलीय कोश है वो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है, तो जब ये यहां पे आएगा तो x का मान b के बराबर हो जाएगा, और जब ये गोलीय कोश यहाँ पे आएगा तो इस x का मान किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, तो अपन b से a तक इसके लिमिट ले लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ। माना कि कैपिटल M द्रव्यमान का एक खोखला गोला है, ओके। माना कि कैपिटल M द्रव्यमान का एक खोखला गोला है जिसकी बाह्य व आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः है ए व बी है। बाह्य त्रिज्या तो ए है और आंतरिक त्रिज्या क्या है, बी है। मैं क्या करता हूं कि एक गोलीय कोश लेता हूं, व्यास के परिधि जड़त्वागुण का मान ज्ञात करने के लिए, या फिर ऐसे लिख देता हूं, इस खोखले गोले का
व्यास के परिता है, जड़त्व अवगुण का मान ज्ञात करने के लिए पूरी लैंग्वेज लिखना पड़ेगा भाई। चलिए केंद्र ओ से, ये केंद्र है ओ, केंद्र ओ से कितनी दूरी पे लिया है अपन ने गोलीय कोश एक्स। केंद्र ओ से एक्स दूरी पर डेल्टा एक्स मोटाई का एक गोलीय कोश लिया जाता है। गोलीय कोश लिया जाता है। अच्छा, ये 2/3 ma² क्या है? खोखले गोले का व्यास के परिते जड़त्व अवगुण, तो ध्यान रखना इसका। एक गोलीय कोश लिया जाता है, आता है गोलीय कोश का आयतन गोलीय कोश का आयतन गोलीय कोश का आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू मोटाई, क्षेत्रफल इंटू मोटाई या चौड़ाई लिख लो, एक ही बात है। अब दोस्तों, ये गोलीय कोश है उसकी जो रेडियस है वो एक्स है। गोलीय कोश की जो रेडियस है वो कितनी है? एक्स, एक्स दूरी पे। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4π × रेडियस का स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4π × रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे दो सूत्र अपने को बहुत काम में आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्षेत्रफल का, मान लो अगर ए अपन रेडियस लेंगे तो 4π a² टाइप क्षेत्रफल होता है, और एक होता है आयतन का, वो होता है 4/3 πa³। ये तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये आयतन का सूत्र होता है। क्षेत्रफल एरिया होता है 4π a², और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πa³। ठीक है, देखो भाई इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं उनको आप कहीं पे नोट कर लो, आगे काम में आएंगे भाई ये दोनों। चलो मैं उठा देता हूं इसको। अब क्षेत्रफल, गोलीय कोश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 4π x², क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल एक्स है, तो 4π x², और मोटाई कितनी? मोटाई का लिया है डेल्टा एक्स, 4π x² डेल्टा x। ये गोलीय कोश का अपना आ गया आयतन, गोलीय कोश का आयतन। ठीक है, क्योंकि खोखले गोले का आयतन है, खोखले गोले का आयतन अब इस खोखले गोले का आयतन कितना बनेगा? देखो, 4/3 π रेडियस। अब देखो, ये खोखला गोला यहां से लेकर है, ये खोखला गोला यहां से लेकर है, और यहां इस वाले एरिया में है। तो यहां की बात करें तो रेडियस का मान a है, और यहां की बात करें तो रेडियस का मान b है। तो 4π a³ - b³, या आप इसको ऐसे लिखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये बाहर वाला जो है उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो वो कितना था? 4/3 π a³ माइनस, फिर ये जो अंदर वाला है इसका आयतन निकाल लेते, वो कितना था? 4/3 π b³। और बड़े वाले के आयतन में से ये वाला आयतन घटा देते तो ये जो एनुलस था वलय का, इसका आयतन निकल के आ जाता अपना।
पहले तो पूरे का आयतन निकाल लिया, पूरे का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर इतने का वॉल्यूम घटा दिया, तो जो अपने को रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो अपना मिल गया। तो ये बन गया 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू। ओके, ये खोखले गोले का आयतन हो गया। अब मैं से लिखूंगा ये भाई खोखले गोले का आयतन ये है, तो इतने आयतन का द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, एकांक का है वो कैपिटल एम है, इसका भाग दे दूंगा, फिर इतने गोले का आयतन मेरे को पूछ लेगा तो वो वहां से निकल जाएगा, वहां से अपना गोलीय कोष है उसका मास मिल जाएगा, और जब गोलीय कोष का मास मिल गया तो गोलीय कोष का व्यास के प्रति जड़त्वागुण का मान होता है 2/3 गोलीय कोष का मान इंटू रेडियस का स्क्वायर, और फिर अपन लिमिट लेंगे तो एक्स भाई डेल एक्स आ रहा है तो एक्स की लिमिट लगेगी, और वो यहाँ से यहाँ तक तो बी से ए तक कहीं भी हो सकता है, ऐसा करके अपना क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। तो आप देखो वीडियो को, इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए दोस्तों। चले आगे, ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा हटा देते हैं इधर से। अब मैं यहां ही लिखता हूं, देखो 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू आयतन के खोखले गोले का द्रव्यमान कितना लिया था, गोले का द्रव्यमान कैपिटल एम, तो एकांक आयतन की बात करें एकांक आयतन के खोखले गोले का आयतन सॉरी एकांक गोले के एकांक दोबारा देखो 4/3 पाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब आयतन के गोले का द्रव्यमान एम हो गया, तो एकांक आयतन के गोले का द्रव्यमान एकांक आयतन के लिए बात करें तो जो मास का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा कैपिटल एम अपोन 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू। एकांक आयतन के खोखले गोले का द्रव्यमान, एकांक आयतन की बात करेंगे तो जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व से दर्शाया जाता है, एकांक जैसे एकांक लंबाई की बात कर रहे थे, एकांक लंबाई का द्रव्यमान था उसको घनत्व बोल रहे थे, तो वो तो लंबाई के लिए होता, ऐसे ही एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान होता है उसको भी घनत्व कहा जाता है, वो क्षेत्रफल घनत्व होता है, और एकांक आयतन का जो गोला है उसका जो द्रव्यमान होता है उसको क्या कहा जाता है अपना, उसको भी घनत्व कहा जाता है, लेकिन उसको अपना घनत्व आयतन कहा जाता है, क्षेत्रफल आयतन होता है, लंबाई आयत अपना क्षेत्रफल घनत्व की बात करते हैं तो एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान होता है उसको क्षेत्रफल घनत्व कहा जाता है, एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान होता है उसको लंबाई का घनत्व कहा जाता है, एकांक आयतन का जो घनत्व होता है उसको अपन आयतन घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ आयतन घनत्व की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो अपन ने 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू आयतन के खोखले गोले का द्रव्यमान एम लिया, तो एकांक के लिए इसका भाग दे दिया, और अपने को कितने आयतन का चाहिए, इतने आयतन का चाहिए द्रव्यमान, तो ये कितना है 4πx² δx, इसलिए 4π या फिर सीधा गोलीय कोष का लिख लो, इसलिए गोलीय कोष का द्रव्यमान गोलीय कोष का
दृढ़वान। तो ये थ्री तो ऊपर जाएगा, थ्री कैपिटल एम, 4 पाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू, कितने वॉल्यूम से गुणा करोगे आप, 4 पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स। ये अपना मिल गया है जो गोलीय कोश था उसका मास, ये वाला जो गोलीय कोश मरा है ना इसका मास अपने को मिल गया है। फोर पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 3 कैपिटल M एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये गोलीय कोश का द्रव्यमान हो गया। और दोस्तों अभी मैंने लिखा था ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात, कि कोई भी गोलीय कोश मान लो या खोखला गोला, उसके व्यास के परिवर्तित जड़त्व आघूर्ण का मान होता है वो होता है 2/3 कैपिटल M इंटू उसके त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। और ये वाला फॉर्मूला अपन कहाँ से ले रहे हैं, जो आर्टिकल अपन ने पढ़ा था वहां से ले रहे हैं, खोखले गोले का। चूंकि गोलीय कोश का उसके व्यास के परिवर्तित है गोलीय कोश का उसके व्यास के परिवर्तित है जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, 2/3 इंटू गोलीय कोश का द्रव्यमान, 2/3 एम ए स्क्वायर पढ़ा था उसमें एम क्या था, द्रव्यमान। तो वो खोखले गोले का था, और अब की बार उसको गोलीय कोश के लिए लगा रहे हैं क्योंकि गोलीय कोश भी एक खोखले गोले की तरह होता है। तो 2/3 इंटू गोलीय कोश का द्रव्यमान इंटू सूत्र क्या था, 2/3 एम ए स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर गोलीय कोश की त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला दोस्तों अपन ने आर्टिकल से उठाया है और सबको याद भी होना चाहिए। अब अपने पास प्रत्येक चीज है, गोलीय कोश का मास ये रहा और गोलीय कोश की जो रेडियस है वो कितनी है स्मॉल एक्स, तो उस हिसाब से अपन पुट कर लेंगे इसको। एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, 2/3 गोलीय कोश का मास कितना है भाई, 3 कैपिटल M एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर भाई यहां से यहां तक है एक्स। चलो ठीक है, अब बस अपने को ये गोलीय कोश का व्यास के परिवर्तित जड़त्व आघूर्ण आ गया, तो संपूर्ण जो ये खोखला गोला है उसका व्यास के परिवर्तित जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो गोलीय कोश यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ तो लेंथ का मान बी और यहाँ ए, तो बी से ए तक इसका इंटरग्रेशन कर देंगे। अतः संपूर्ण खोखले गोले का उसके व्यास के परिते है जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये कितना है ट्वाइस नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू इंटरगेशन, और ये x4
और ये dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, भाई यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो जब ये गोलीय कोश यहाँ आएगा तो जो x इस गोलीय कोश की रेडियस है, x का मान b के बराबर हो जाएगा जब ये यहाँ आएगा तो, और जब ये यहाँ आएगा तो a के बराबर हो जाएगा। तो b से a तक है उसकी लिमिट, तो ये बना ट्वाइस ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स की पावर 5/5 b2a। तो दोस्तों 2/5 ये पुट करोगे तो ये बनेगा ए क्यूब ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। तो ये पुट किया तो a5 माइनस b5, और नीचे कितना है ए क्यूब माइनस है बी क्यूब। ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान आया है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, खोखले गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वागुण, खोखले गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वागुण आया है 2/5 कैपिटल एम ए 5 माइनस बी 5। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों ये। अच्छा यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा ये एम को भूल गए ना भाई, इससे ये कैंसिल हो गया था 2m। ये 3 कैंसिल हो गया तो ये 2m, ये तो 2/5 कैपिटल m, 2/5 कैपिटल m a5 माइनस b5 / a³ - b³। ये अपना खोखले गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्वागुण का मान आया है। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए। अब बोला तो मैंने था कि भाई दो तीन क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन हैं वो थोड़े बड़े हैं, एक साथ एक ही लेक्चर में मोर देन वन क्वेश्चन बताने से वो ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, वीडियो बड़ा बन जाता है। तो इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद, तब तक के लिए आप इसको नोटबुक में नोट करना।